लेडे लंबे लंबे पाड़ के सड़े सड़े नासा च तुंद दिंदे आ। डेली वॉश कर करके ये देखे बालों का क्या चाटा बन गया है। उन्होंने दिया टिंडा वो उन्होंने सिर के उत्ते शैंपू भी नहीं लगते। मेरा दिल करता है कि मैं दो तीन गाला पा देव, लेकिन मैं मुंडी मरोड़न तो सिवा इन्हों का कुछ नहीं कर सकती। तो खतन है मुंडी मरोड़नी ऐ करके ऐ विंगी कर देनी, उधर वो पता ना लगा आ रही है कि जा रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज निदामिन एंड माय चैनल नेम इज निदामिन ब्लॉग्स। कुछ बच्चे तो हो गए, लेकिन मैं बार बार एक गल कर मेरे चॉपर च नहीं पाते, ऐसे ही पाया सी इन्होंने। ये पेंचर वाला नुकसान वो ही आ उधर हवा आ रहा ना, नहीं एक दफा पहले उधरले घाट च ले आ सी ना, एदा ही सीगा। चलो मैं गुड्डू अंदर, अभी तो पानी तो भरने थे, अभी रख छोड़ दो पाइप को, बनने दो इसको, अभी इसको बनने दो, अभी इसने और बनना है। बाबा निकल ला गया, सारा मेरे मोबाइल ते आ गया। मम्मी ने बाहर पूल बना लिया वा, सबके घरों में और हमारे मुल्क में ये बड़े ही बीमारी आई हुई है लोड शेडिंग की, जो कि नहीं जाती। कोई भी हुक्मरान आ जाए हमारे मुल्क में, कोई भी लोड शेडिंग पे काबू नहीं कर पा रहा। अब तो गैस की भी लोड शेडिंग होगी, लोड शेडिंग ते अग लग गई है, कोई नहीं देखा जा रहा कि लोगों को क्या क्या मसले मसाइल आ रहे हैं। बेड़ा फर्क कर दिता सारे यहाँ का, देखो ये देखिए आपके सामने ये स्वेटिंग हो रही है, और आप ये देख लें लाइट इस टाइम ऑफ है, और इतना ज़्यादा ये इशू आ रहा है। मैं इस इशू पे इसलिए बात करने लगी हूँ कि मैं थक हार के कि चल साडा मुल्क शायद कुछ अकल आए हुए ना हुक्मराना, लेकिन नहीं आई, क्योंकि इन्होंने लोगों इन्हों के अंदर इंसानियत नहीं आई। अपने घर से इन्होंने अपने इन्ने इन्ने वे वे एसी अलमारियां लाइया वा, अलमारियां के अगे अपन टिंडा लैके बह जाते, लेकिन साढ़े को ना टिंडा वा तो ना साढ़े को अलमारियां वा। साढ़े को जो छोटे से जो एसी हमने लगाए हुए हैं वो भी लाइट की वजह से बंद हो जाते हैं, और ये जो इन्वर्टर का बेड़ा गर्क किया हुआ, इन्वर्टर लाए असी, इन्वर्टर लाए, इन्वर्टर किस चीज़ से लगाए, इन्वर्टर लगाए हुए हैं जान के चटके मार के इन्वर्टर का बेड़ा गर्क कर देंगे। कोई इन्वर्टर नहीं है, ये आम एसी से भी बदतर है। बिल एडे 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 लंबे लंबे पाड़ के सड़े सड़े नासा च तुंद दिंदे आ कि असीं आ दईए हर सूरत, नहीं तो इतने बाहर आ जाते जी बिजली कट्टण वास्ते, कहिंदे जी आ जाते साढ़े नहीं आए। मैं लोगों की दस रही, लोगों दियां बिजलियां कट्टियां जांदियां इसी वजह तो कि बिल नहीं दिते जा रहे। बिलों का इतना मसला है, वह हर चीज़ महंगी, महंगाई महंगाई महंगाई। बाप डाले तो दिल करता मुंडी मरोड़ के ना मैं इन्हों का, इन्हों दियाँ फैसको वाले का मुंडी मैं आ मरोड़ के आवा। मैं इन्नी दुखी हो के इतने आई, मैं जानती सब के घरों सबके घरों में आजकल यही प्रॉब्लम आ रही है। तो खुदारा खुदारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि हमारे मुल्की हालात अच्छे हो जाए, इन हुक्मरानों को रहम आ जाए। जो बेचारे जिन लोगों के घरों में सिर्फ फैन है, वो सिर्फ पंखों के सिर पे जी रहे हैं, उनके घरों में यूपीएस नहीं है, वो बेचारे किस तरह अपनी जिंदगी को सरवाइव कर रहे हैं। हेड्स ऑफ है मेरी उन पे, मैं कहती हूँ उनको मैं सलामी सत तोपा की पेश कर दी कि वो लोग इन्नी गर्मी के पता नहीं किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे। टॉक्स आ रहे हैं कि आपका ग्लैमर कहाँ चला गया, मैं कहाँ से ग्लैमर लाऊं, गर्मी ने इतना बुरा हाल कर दिया ग्लैमर। आ देखो अब वाला का की हाल हो गया, डेली डेली वॉश कर करके ये देखे बालों का क्या चाटा बन गया है। उन्होंने दिया टिंडा वो उन्होंने सिर के उत्ते शैंपू भी नहीं लगते। डेली नहा नहा के क्या करें, बालों में इतनी स्वेटिंग हो जाती है कि कम अज कम बिजली तो दवो, बिजली तो दे दो कम अज कम, सुख का सह तो लै लीए। मैं जानती हूँ सबकी प्रॉब्लम है, मैं आप सबके साथ हूँ, आप में आप प्लीज़ आप अपने मुल्क के लिए दुआ करें।
अल्लाह पाक इनको हदायत दे और कम से कम बिजली तो दे दे। मेरा दिल करता कि मैं दो तीन गाला पा देव, लेकिन मैं मुंडी मरोड़न तो सिवा इन्हों का कुछ नहीं कर सकती। तो खत्न है मुंडी मरोड़नी ऐ करके ऐ विंगी कर देनी, उधर वो पता ना लगा आ रही है कि जा रही। कैसा लगा आपको आज का ये व्लॉग? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन मेरे इस प्रॉब्लम के साथ, जिस तरह हम फेस कर रहे हैं, कौन कौन इस तकलीफ से गुजर रहा है। हम मैं आपके साथ हूँ और आप भी अपने मुल्क के लिए दुआ करें, हम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो ऐसे छोड़ना नहीं है, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, सी बाय बाय।